मैथमेटिक्स का क्लास 6। आज हम एक्सरसाइज 3C पढ़ेंगे। इसके पहले कुछ चीजों को जानेंगे, इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। इसमें से कई सारे डिफिनेशन आपको पता होंगे। अब देखिए, प्राइम नंबर के साथ कुछ और है, जैसे को प्राइम, ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट्स ये बड़ा हो रहा है, कंपोजिट नंबर बाद में लिखेंगे। प्राइम नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, एंड प्राइम ट्रिपलेट। इसके बाद कंपोजिट नंबर्स। ये कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं जिन्हें हम समझेंगे, और यही आपकी एक्सरसाइज 3 के लिए है। उसके बाद एक नया टर्म परफेक्ट नंबर, ये भी ऐड कर रहे हैं। परफेक्ट नंबर्स देखिए, अब हम शुरू कर रहे हैं यहां से इवन नंबर से। आप जानते हो द नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू इज नोन एज इवन नंबर। ये नंबर क्या होते हैं, डिविजिबल बाय टू। जो भी नंबर टू से डिविजिबल होगा वो सारे नंबर्स इवन नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय टू, मतलब ऐसे नंबर्स जो टू से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर कहलाते हैं, डिविजिबल बाय टू। इवन नंबर क्या होते हैं, जो टू से डिविजिबल होते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो टू से डिविजिबल नहीं होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन और एक वो नंबर खुद। दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इट सेल्फ ओनली। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो केवल वन से और इट सेल्फ से डिवाइड हो, बाकी किसी से न हो। को प्राइम, देखिए दो ऐसे नेचुरल नंबर जिनके बीच में वन के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, दोस नंबर्स
व्हिच हैव सॉरी टू नेचुरल नंबर्स दो ऐसे नेचुरल नंबर्स व्हिच हैव ओनली वन एज दियर एचसीएफ एज दियर एचसीएफ यहां पे दो नंबर जिनके बीच एचसीएफ केवल वन हो वो दोनों नेचुरल नंबर को प्राइस कराते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 16 and 25 आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा वन आएगा। तो ये दोनों नंबर को प्राइस कहलाएंगे। थोड़ा नाम के हिसाब से कंट्रडिक्शन है, थोड़ा आपको ऑड लग सकता है क्योंकि न तो 16 प्राइम नंबर है ना ही 25, ये दोनों कंपोजिट नंबर है बट इन्हें हम को प्राइम्स कह सकते हैं क्योंकि को प्राइम्स का डेफिनेशन मैंने वो नहीं बताया था, मैंने ये प्राइम का डेफिनेशन बताया था कि दो नंबर्स व्हिच आर रिजर्व बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। बट को प्राइम में दो ऐसे नेचुरल नंबर जिनके बीच में एचसीएफ वन वो दोनों नंबर को प्राइम्स कहलाते हैं। इसके बाद ट्विन प्राइम, अब देखिए यहां पे आएगा तो प्राइम वाला डेफिनेशन यूज होगा। ट्विन प्राइम का मतलब है दो ऐसे प्राइम नंबर्स, इसमें प्राइम नंबर मैं यूज कर रहा हूं, दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच डिफरेंस टू हो, टू प्राइम नंबर डिफर बाय टू, दो प्राइम नंबर जिनके बीच डिफरेंस टू हो उन्हें ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3, 5 ये दोनों प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस टू है, 5, 7। अब देखिए इसके बाद 7, 11 को नहीं लिख सकते क्योंकि 7 और 11 के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो इस तरह के नंबर्स ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ओके, अब देखिए कंपोजिट नंबर्स, एक मैंने छोड़ दिया यहां पे प्राइम ट्रिपलेट। तो देखिए प्राइम ट्रिपलेट जैसे ट्विन प्राइम है सिमिलरली प्राइम ट्रिपलेट है, तीन ऐसे नेचुरल नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2, 2 हो। ओके, जैसे 3, 5 and 7 ये प्राइम ट्रिपलेट कहलाते हैं क्योंकि ये 2, 2 के डिफरेंस में है और तीन नेचुरल नंबर व्हिच इज डिफर्ड बाय 2 इज नोन एज प्राइम ट्रिपलेट। देन आफ्टर कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब हर एक नंबर का कम से कम 2 फैक्टर तो होता ही है, एक तो वन होता है एक वो नंबर खुद होता है, इसके अलावा भी कोई ना कोई फैक्टर हो तब उन नंबर्स को कंपोजिट नंबर कहेंगे। हैविंग मोर देन मोर देन टू फैक्टर्स उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। देन परफेक्ट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर, एक नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। मतलब जैसे कोई नंबर है मान लीजिए 5 या 8 मान लेते हैं, तो 8 के सारे फैक्टर्स क्या होंगे, 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 4 से होता है एंड 8 से होता है, तो एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ 8 को हटा देते हैं,
बाकी जो फैक्टर्स इसके होते हैं इनके सम के इक्वल अगर ये नंबर है तो उसे हम परफेक्ट नंबर कहेंगे। इन तीनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, अगर प्लस कर देते हैं तो क्या आएगा, सेवन, एंड सेवन इज नॉट इक्वल्स टू एट, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अब इस तरह का कोई नंबर क्या आपको पता है, आप सर्च आउट कर सकते हो। देखो सिक्स, सिक्स के फैक्टर्स क्या है, ये वन से डिवाइड होता है, टू से डिवाइड होता है, थ्री से होता है एंड सिक्स से होता है। तो मैंने परफेक्ट नंबर के डेफिनेशन में बताया, अ नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर, अ नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ऑल फैक्टर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, मतलब इसे छोड़कर, इस नंबर को हटाकर बाकी जितने भी सारे फैक्टर्स हैं उन सबके सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, वन प्लस टू प्लस थ्री, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री, ये सिक्स आएगा, मतलब ये होगा सिक्स इज अ परफेक्ट नंबर। ओके, बाकी ये था ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के बारे में सब कुछ। अब इस एक्सरसाइज को आप इजीली खुद से सॉल्व कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल वेदर इच नंबर इज अ प्राइम आर कंपोजिट, आपको बताना है कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट। तो आप जानते हो प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर केवल वन से और खुद से ही डिवाइड हो वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, और जो नंबर वन एंड इटसेल्फ के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। सेकंड, राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स, सारे इवन प्राइम नंबर्स को लिखिए, प्राइम नंबर्स बिटवीन 90 एंड 100, 90 और 100 के बीच के प्राइम नंबर को लिखिए, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 70 और 80 के बीच में ट्विन प्राइम्स लिखना है, देयर नंबर दैट इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऐसे नंबर जो न तो प्राइम है न तो कंपोजिट, ऐसा केवल एक ही नंबर है वन, ये ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है। आप लोग इस एक्सरसाइज को एज अ होमवर्क करिए, बाकी अगर कुछ भी आपको डाउट है हमें कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसी एक्सरसाइज पे बनाऊंगा, और तब तक आप खुद से अपनी प्रैक्टिस कर लो, और जो ना है वो कमेंट बॉक्स है हमसे पूछिए। चिल्ड्रेन, थैंक यू।